और वापस से इस तरह के जो सिचुएशंस हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में खासतौर पर, वो क्रिएट ना हो। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर की बात करेंगे अब। प्रतिबंधित कफ सिरप का धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार ने जून 2023 में प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध कफ सिरप का नशे में इस्तेमाल होता है, नशे के लिए इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था। कफ सिरप को लेकर 40 से ज्यादा FIR अभी भी दर्ज है। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, आखिर क्या वजह है जो प्रतिबंधित कफ सिरप का भी धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है, बावजूद इसके जब 2023 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है, अगर इसके गहराई में जाएं तो ये पूरा जो है लालच, और जो कंपनियां हैं उत्पादन करने वाली, जो फार्मा कंपनियां हैं, उनका स्वार्थ, उनका लालच है जो लोगों की सेहत के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ दिख रहा है। कि सरकार ने रोक लगा दी, उसके बाद भी ये नशे के कीड़ा, ये जो कफ सीरप है, जो अब नशे का सीरप बन चुका है, नशे की दवा बन चुका है, उसका उत्पादन कर रहे थे और लगातार बिक्री हो रही थी। बीते एक साल में तकरीबन 40 FIR इसके बिक्री और उत्पादन को लेकर के विभिन्न थानों में पूरे प्रदेश में दर्ज हैं। उसके बाद भी उत्पादन नहीं रोका, कहीं ना कहीं ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट और सरकार दोनों ही इसको प्रतिबंधित होने के बावजूद इसकी बिक्री उत्पादन रोकने में नाकाम रही हैं। आपको बता दें कि शराब के बाद सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की हो रही है नशे के लिए, तो वो यही कफ सीरप होते हैं। ना सिर्फ क्लोनीफेरामाइन बल्कि और भी ऐसी दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, सिरप हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उनका उत्पादन, उनकी बिक्री लगातार जारी है और नशा करने वाले लोग इनका लगातार सेवन कर रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए सरकार को, ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट DGP को नोटिस जारी किए हैं, उनसे जवाब तलब किया है। अब देखना होगा कि इनका जवाब क्या आता है और कोर्ट इसके बाद में क्या फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। अरे तो है एक प्रति, इस दवा के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को और इसके सेल को बैन किया सरकार ने, क्योंकि ये दवा एक मादक पदार्थ के रूप में भी NDPS एक्ट के शेड्यूल में, इसके अंतर्गत जो इस दवा के अंदर जो कोडीन फॉस्फेट नाम का जो कॉम्प एल क्या बोलते हैं इसका इंग्रेडिएंट है, ये एक मादक पदार्थ है जो कि प्रतिबंधित है, और इसके पजेशन से आपके ऊपर में NDPS की धाराएं लग जाती हैं। तो मेरा ये प्रश्न था कि जब ये दवा बैन हो चुकी है तो ये मार्केट में अवेलेबल कैसे है, पुलिस को मिल कैसे रही है, अपराध पंजीबद्ध कैसे हो रहे हैं। 60 FIR हमने अपनी पिटीशन में बताई जो कि इस नोटिफिकेशन के बाद दर्ज हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करते तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनती ही नहीं, बनती नहीं तो बाजार में आती नहीं। तो मूल मुद्दा ये था, और इसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कितने युवा जो हैं इस नशे के शिकार हो रहे हैं। ये भी एक कंसर्न था इसमें कि किसी भी तरह इसका बाजार में आना बंद हो। कोर्ट में फिर क्या हुआ? कोर्ट ने मामले की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए सारे पक्षकारों को नोटिस इशू किया, जिसमें मूल रूप से जो है ड्रग कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, और CDSCO हैं, ठीक है, और मैंने इसमें पक्षकार में पुलिस को भी पक्षकार बनाया, DGP को भी पक्षकार बनाया, क्योंकि उनका BJP सदस्यता अभियान के पहले चरण के आंकड़े जारी हो चुके हैं। सदस्यता अभियान के पहले फेज में असम अव्वल रहा है। असम में निर्धारित लक्ष्य के 85% सदस्य जुड़े हैं। सदस्यों को जोड़ने में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य के 70% सदस्य जुड़े हैं। BL संतोष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए भी। सदस्यता अभियान जो कि आप देखेंगे बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ चढ़कर इस अभियान को चलाया जा रहा है। बीजेपी से कई लोग जुड़ रहे हैं, कई कार्यकर्ता जो है इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कई नेता और मंत्री भी
बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसमें असम जो है वो अव्वल रहा है और असम में सबसे ज्यादा जो लक्ष्य तय किया गया था उसका 85% जो है वो सदस्यता बीजेपी की ले चुके हैं। बीएल संतोष ने ट्वीट किया है और कहा है कि अब हम सेकंड फेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहला फेज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 85% असम और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 75, मध्य प्रदेश 70, गुजरात 70 और यूपी में 65% लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के नीचे तक के हमारे सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार सदस्यता में लगे हैं, यही कारण है कि मध्यप्रदेश सदस्यता के मामले में बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने तय किया कि आने वाले समय में भी हम लगातार पूरी ताकत के साथ लग करके हमारी सदस्यता के अभियान को हम सफल बनाएंगे।